मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज के कर्ज मुक्त होने के बाद अब उनके छोटे भाई अनिल अंबानी ने भी अपनी कंपनी को लोन फ्री करने की ठान ली है। अनिल अंबानी ने 2020-21 के आखिर तक रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को कर्ज के बोझ से मुक्त करने की योजना बनाई है। इस दौरान प्रमोटर्स कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएंगे। अनिल अंबानी ने यह बयान कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग यानी AGM में दिया। अनिल अंबानी के इस बयान के बाद रिलायंस इंफ्रा के शेयर में भी 5% की बढ़त दर्ज की गई। कोरोना काल में अंबानी ने कंपनी की ऑनलाइन AGM की। उन्होंने शेयर धारकों से कहा कि मुझे आपकी कंपनी के भविष्य पर भरोसा है। मैं कहना चाहूंगा कि प्रमोटर्स की योजना समय के साथ कंपनी में लागू रेगुलेटर के दिशा निर्देशों के तहत शेयर होल्डिंग बढ़ाने की है। कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग घटकर 14.70% रह गई है। इसके बाद कर्जदाताओं ने कंपनी के शेयरों को गिरवी रख लिया था। अंबानी ने कहा कि मैं इस बात को दोहराना चाहूंगा कि मौजूदा कारोबारी साल के दौरान चल रही अलग अलग पहल के जरिए हम कर्ज मुक्त कंपनी बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि कंपनी के पास 65,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है, 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की नेटवर्थ और 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी है। इसमें 60,000 करोड़ रुपए के रिसीवेबल्स 5 से 10 साल के रेगुलेटर और मध्यस्थता मामले में फंसे हुए हैं। अंबानी ने कहा कि मुझे भरोसा है कि जल्द ही बाजारों में कारोबार के सही वैल्यू को पहचान लिया जाएगा। ADAG की रिलायंस कम्युनिकेशंस, रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर, रिलायंस कम्युनिकेशंस ने लोन पर डिफॉल्ट किया है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी कर्ज से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए फंड जुटाने में लगी है। इसके लिए कंपनी एसेट्स बेचने की कोशिश में लगी है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का बॉटम लाइन दबाव में रहा है। अंबानी ने इस साल के लिए अपना कमीशन और सैलरी छोड़ने का फैसला किया है। अंबानी ने यह भी कहा कि भारतीय स्टेट बैंक और 3 चीनी कर्जदाताओं के उनके खिलाफ दायर मुकदमे व्यक्तिगत उधारी से संबंधित नहीं थे, वो कॉर्पोरेट लोन थे और अंबानी कर्जदाताओं के दावों के खिलाफ खुद का बचाव कर रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि आरकॉम का समाधान इस मामले को सुलझा देगा।